इंटरनेशनल लिमिटेड भारत सरकार उपक्रम रेल के निगमित सामाजिक दायित्व CSR व भारत सरकार की ADIP योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों को सहायक उपकरणों का निशुल्क वितरण कटनी शहर की पुरानी कचहरी स्थित द्वारका भवन से किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के साथ जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि दिव्यांग जन के हित में निरंतर हम कार्य करते रहें, उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इरकॉन के द्वारा जो वित्तीय सहयोग दिया गया है अपने सामाजिक निगमिक दायित्व के माध्यम से, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और एलिमको के माध्यम से जो आज इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, एलिमको भारत सरकार का एक उपक्रम है और क्वालिटी के मामले में वर्षों से जाना जाता है, वो भी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि कार्यक्रम कुछ विलंब से शुरू हुआ था और हमारे दिव्यांगजन बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, और ऐसा इंटरनेशनल और प्रयासों से दोनों ही संस्थाओं को जो तूफानों में पलते जा रहे हैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और क्षेत्र के हमारे सांसद श्री शर्मा जी के प्रयासों से लगातार इस क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बिजली भुगतान निगम में वितरण हुआ, इसी प्रकार सभी ब्लॉक में होगा। और दिव्यांग जन के क्षेत्र में जो अन्य पहलू हैं, खासकर रोजगार बाइकों की भर्तियाँ आगे बढ़े और मंजिल प्राप्त करें, बसेस हैं या ऑटो हैं उसमें भी एक डिमांड रहती है कि जो छुट्टी होनी चाहिए उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बार बैठ के सभी देखें कि क्या नियम है और क्या छूट हो सकती है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी पेंशन, सभी बंदों में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से ही सामाजिक न्याय की दिशा में और अच्छा करेंगे। कुछ न कुछ सामाजिक कार्य किया जाता है। इस वर्ष हम लोगों ने कटनी में ये डिसाइड किया था कि विकलांग भाइयों और बहनों को कुछ उनके जीवन के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु कुछ वितरण किया जाए। इस बार मोटराइज साइकिल हम लोगों ने वितरण कराया है और डीएम साहब के नेतृत्व में ये सफलतापूर्वक हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों को भी बधाई बधाई और दिव्यांग भाइयों के लिए बधाई। इसके पहले आप लोगों ने क्या ऐसा सामाजिक कार्य किया? इसके पहले भी हम लोगों ने 10,000 पेड़ लगाने का काम किया है यहाँ पर, ये कटनी में ही जो जागृति पार्क में हम लोगों ने 10,000 पेड़ लगाने का कार्य किया है। आपका जैसा का ये ब्रिज का काम चल रहा, ये ब्रिज निर्माण में तो हजारों पेड़ काटे गए थे। नहीं, 1,000 पेड़ काटे गए हैं, 1,082 पेड़, उसके जगह पर एक नॉर्म्स के हिसाब से 10,000 पेड़ लगाए गए हैं, 10 गुना। तो वो 10,000 पेड़ लगाए गए हैं, अभी पेड़ छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखेंगे एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कटनी जिले के लिए, 10,000 पेड़ जब अपने पूरे तैयार हो जाएंगे। मजदूर की मौत का आरोप लगा मेरे कंपनी पर नहीं लगा है, हमारी कंपनी के एक जिनको हम लोगों ने काम दिया है LNT को, तो वो एक घटना हम लोगों के नोटिस में आया है जिसकी जांच चल रही है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी बताया नहीं जा सकता। मजदूर के परिवार को कोई सहायता राशि दी गई? इसकी अभी जांच चल रही है और इसकी जानकारी पूरी होगी तो आपको बताएं। जैसा कि प्रताड़ना की बात आई है तो क्या कंपनी जिसको आपने काम दिया है? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रताड़ना का कोई नोटिस हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया है। परिजनों ने आरोप लगाया, परिजनों ने आरोप लगाया होगा, लेकिन ये अभी जिला कलेक्टर और SP साहब के निगरानी में। सर, दिव्यांग शिविर में शाम 4 बजे तक दिव्यांगों को भोजन नहीं दिया गया, वजह क्या? नहीं, ये LPCO साहब के जो लोग कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज किए हैं, एक्चुअली ये सारी चीज़ें एक जगह से नहीं हो पाती है, ये LPCO वाले वो ऑर्गेनाइज किए हैं, तो वो उनका अभी वितरण हो रहा है। 10 बजे से आए, 4 बजे को भोजन दिया जा रहा है। LPCO वालों से ये बात कर रही है, कौन से मानक को ताक कर रखे? आप देख रहे होंगे ये सारी चीजें जो आप उठा रहे हैं, बीच बीच में पानी का छिड़काव भी होता है और जो गड्ढे भी भरे जा रहे हैं, इसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स हम लोगों के पास हैं। और गड्ढे बरसात में, अब शायद ये समस्या ना आए, ये गड्ढे भरे जा रहे हैं। धन्यवाद। आज का ये प्रोग्राम
है। एक पर 3 लाख से ज्यादा है शुल्क सहायक उपकरण वितरित करने का कार्यक्रम पूरे देश में। मैं यूनिट हेड अलिम्को जबलपुर हूँ और मेरे अंडर में 4 स्टेट हैं जिनको उन स्टेट के दिव्यांगों को और वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराते हैं। द्वारका भवन में आयोजित कार्यक्रम में चिन्हित दिव्यांगों को मुडवारा विधायक संदीप जायसवाल, विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक, बोहरीबंद विधायक प्रणव प्रताप पांडे, बडवारा विधायक बसंत सिंह की उपस्थिति में मोटराइज्ड ट्राइस साइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, कृत्रिम अंग व अन्य सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। कटनी से सुनील यादव की रिपोर्ट। तहसील की सभी 44 ग्राम पंचायत में 19 नवंबर से जनपद स्तर पर पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए ईवीएम मशीन द्वारा वोटिंग करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जनपद के लिए गुलाबी वाला मतपत्र पेटी जिला